26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ शासकीय विभागों द्वारा झांकी यहां पर निकाली गई, इसका अवलोकन उन्होंने किया। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा विशेष रूप से शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने ध्वजारोहण कर प्रदेश की जनता के नाम संदेश वाचन भी किया। गाँव की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से रोजगार की व्यवस्था, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए जीवंत मानव द्वारा चलित प्रदर्शन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उद्यान की योजनाओं में उद्यान की जीने का समुचित आधार मिले, हर प्रदीप को पूर्ण विकसित होने का अधिकार मिले, वो विकास की धारा निर्मल जैसे पावन। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा शहीद परिवारों से मुलाकात कर उन्हें अपनी संवेदनाएं दी गई। इसके साथ ही परेड की सलामी, प्लाटूनों द्वारा मार्च पास्ट, हर्ष फायर, प्लाटून कमांडरों से परिचय के बाद खुले आकाश में रंग बिरंगी गुब्बारे छोड़े गए। स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। जिला पुलिस बल दुर्ग सलामी मंच के पास से गुजरता हुआ प्लाटून क्रमांक 3, जिला पुलिस बल दुर्ग प्लाटून क्रमांक 4, नगर सेना का यह प्लाटून दल प्लाटून क्रमांक 5, नगर सेना का यह प्लाटून दल। गौरतलब है कि दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजित भव्य आयोजन में दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, दुर्ग आईजी रेंज एसएसपी आरजी गर्ग सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मंच से उप मुख्यमंत्री के हाथों बेहतर कार्य को लेकर पुरस्कार भी यहां पर वितरित किया गया। शुभकामनाएं हार्दिक श्री मणिशंकर चंद्र, सादर आमंत्रित है श्री मोहन सिंह राजपूत, निरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला दुर्ग। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुर्ग पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने अलग अलग विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। 75वां गणतंत्र दिवस, हम लोग राजपथ से कर्तव्य पथ की ओर बढ़ गए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश और माननीय विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में हमारा पूरा प्रदेश उन्नति के नए सोपान आगामी वर्षों में तय करेगा, ये हम सब लोगों ने आज देखा है। राज कानून का हो, कानून सम्मत काम हो, ये ध्यान देना हमारा काम है। इसमें जो कुछ भी है वो कानून के दायरे में ही हो रहा है और वैसे ही होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। अतिरिक्त कोई प्रयास करके किसी विषय पर करना ये कोई बात नहीं। ईडी के वेबसाइट पर जाके आप उसका प्रेस नोट देख सकते हैं, जो है उसमें लिखा हुआ है उसका खंडन करें। बस यूं ही कहना ये कोई औचित्यपूर्ण नहीं है। लंबी फहरिस्त हो सकती है, ऐसा है, मैं सोचता हूं कि और थोड़ी प्रतीक्षा की आवश्यकता है। नए कानून के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो इंडियन पीनल कोड के जगह में भारतीय न्याय संहिता आ रही है और उसमें ये प्रावधान है कि जो एक्यूज्ड है वो अनुपस्थित है तो भी सुनवाई हो सकती है। वर्तमान कानून प्रावधानों में ऐसा नहीं है, तो अगर कोई दुबई में भी छुपा होगा तो यहाँ पर सुनवाई उसकी हो जाएगी और उस आधार पर उसकी सजा भी निर्धारित हो जाएगी। मुझे लगता है कि और कुछ कानून के प्रावधानों की आवश्यकता है जो आगामी आने वाला कानून हमको दे सकता है। जितनी कार्यवाहियाँ आप देख रहे हैं नशे के विरुद्ध,
मैं सोचता हूं कि विगत 5 वर्षों में आपने न देखी होंगी जो अभी आपने 1 महीने में देखी है। जेलों में क्षमता और ये आगे और बढ़ेगा। ये सोच है कि नशा खत्म होगा तो आधा अपराध यूं ही खत्म होगा। वो तो लड़के नशे में के गिरफ्त में आकर के नौजवानी जो होती है वो आग की तरह होती है, फिर कुछ भी हो जाता है, बाद में पछतावा होता है, और उसके पीछे कारण नशा है। तो उस दिशा पे भी काम है, और लॉ एंड ऑर्डर ये बिल्कुल मेंटेन होना होगा। थोड़ा प्रतीक्षा और कर लीजिए, आपको छत्तीसगढ़ में परिवर्तन दिखेगा। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।